परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता है, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान एक डरपोक मुल्क है जिसके प्रधानमंत्री का मजाक अब एक फिल्म से भी उड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं द डोंकी किंग की, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की देखे जाने वाली पहली फिल्म बन गई है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह फिल्म इमरान को सोचकर बनाई गई है। मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए, लेकिन वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एक फिल्मी गधे का इमरान से कनेक्शन, द डोंकी किंग की कहानी, इमरान की सच्चाई। पाकिस्तान की इस एनिमेशन फिल्म का नाम है द डोंकी किंग। ये फिल्म पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों पर 2018 में बनी, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन चुकी है। 10 भाषाओं में डब इस फिल्म में गधे मंगू के किस्मत से राजा बनने की कहानी दिखाई गई। राजा बनाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। राजनीतिक व्यंग्य वाली इस फिल्म में मंगू को एक सीधे सीधे गधे के किरदार में दिखाया गया है, जो किस्मत से राजा बन जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो वास्तव में एक अच्छा राजा नहीं है। इसके बाद वो खुद को अच्छा बनाने की तमाम कोशिशें करता है। लोग इस फिल्म को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं। इमरान और इस फिल्म के कई वीडियो मिलाकर शेयर भी किए गए हैं। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अजीज जिंदानी ने सफाई दी है कि उन्हें इस फिल्म का विचार 2003 में आया था। 2013 में फिल्म के निर्माण का काम शुरू किया, इसीलिए फिल्म का इमरान से लेना देना नहीं। लेकिन इसकी कहानी ही कुछ ऐसी है कि लोगों ने गधे में इमरान को पाया और इमरान का मजाक दुनिया में उड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।